हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं नहा चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और मैंने ना पूरे में यहाँ पे पोछा मारा क्योंकि ना बहुत गंदा सा लग रहा था। तो अन्या देखो, वो खेल रही हैं, कह रही हैं हाय गाइस। हाँ बेटा। तो अभी जा रही हूँ मम्मी से पूछती हूँ क्या सब्जी बनेगी, सब्जी वगैरह काटती हूँ। बाकी मैंने नहा लिया तो एकदम फ्री हो गई हूँ और इतना अच्छा मौसम हो रहा है आज। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। आज का मौसम ना इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, लेकिन बादल इतने तेज हैं कि मतलब बारिश होती है फिर बंद हो जाती है, फिर बारिश होने लगती है फिर बंद हो जाती है। क्या हुआ? शॉफ कर दिया मम्मा ने। अब बाबू खेल सकता है यहाँ पे, बाबू के कपड़े नहीं गंदे होंगे। क्या बोलो? तो ये सूखा ही तो है, यहाँ देखो कितना साफ कर दिया मम्मा ने। बस गुस्सा हो गई। तो अभी बनाने के लिए जा रही हूँ मैं चाय लेबर मिस्त्रियों के लिए, क्योंकि एक बार चाय बन चुकी है, अब उन लोगों के लिए बन रही है। तो उन्हें चाय देके आने के बाद पूछती हूँ मम्मी से क्या बनेगा। तो आज बनेंगे हमारे घर पे कुंदरू, भरमा कुंदरू और अरहर की दाल। इस टाइम पे ना दाल और एक सब्जी तो मतलब यही बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो एक दाल एक सब्जी ऑप्शन होता है। तो जब तक हमारे कुंदरू और दाल मतलब दाल पे सीटी आएगी, कुंदरू बॉयल होंगे, तब तक मैंने सब्जी की तैयारी कर ली है। और जो दाल है वो थोड़ी सी खड़ी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे ही मतलब कुकर को रख दूँगी जिससे जो दाल है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गली हुई दाल भी ना अच्छी नहीं लगती है। तो मम्मी लहसुन वगैरह काटने लगी थी, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि ना ये लेट हो रहे हैं और इन्हें जाना भी है ऑफिस। तो मैंने सोचा कि खाना खा के जाएं घर का, वैसे ही बोल रहे थे बाहर से जाके खा लूँगा, लेकिन बाहर के खाने में वो बात कहाँ होती है जो अपने घर के खाने में होती है। तो जल्दी से दाल फ्राई कर दे रही हूँ, जब तक प्याज भुंज रहा है जब तक मैं कुंदरू भी निकाल के रख देती हूँ साइड में, बाद में इसको बनाऊँगी। इस टाइम पे तो ये एक ही सब्जी खा के जा पाते हैं, क्योंकि दोनों सब्जी ना रेडी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि काम ही इतना है घर में, काम कम है लेकिन मतलब होता है ना कि पूरे में ना फैला सा है ना, तो कुछ समझ नहीं आता है कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, कोई चीज़ अपनी जगह पे ना सेट सी नहीं है, इसलिए ना बहुत ज़्यादा मुझे ना मैं पूरे दिन सामान ही सेट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बिखरा बिखरा सामान ना बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन अब कुछ टाइम तक तो झेलना ही पड़ेगा, जब तक पूरा जो भी घर है वो प्लास्टर नहीं हो जाता और पूरे घर में सामान नहीं सेट हो जाता है। और ये चीनी रखी हुई थी भगोने में, इसमें चींटियाँ हो गई थी, तो मैंने धूप में रख दी थी तो चींटियाँ निकल गई थी, और अभी मैं इसको डब्बे में भर रही हूँ। और ये जो दाल हमने कल धूप में डाली थी ना, इसमें भी चींटियाँ हैं। जब मैं इसको भरने चली ना, जब मैंने गौर से देखा, वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा था, जो बहुत सारी चींटियाँ थी। तो अभी इसको भर देती हूँ मैं, कुंदरू जो है इनको काट देती हूँ और मम्मी इसमें भर देंगी मसाला। और ये वाले कुंदरू मेरे तो फेवरेट है, मैं बहुत टाइम के बाद खा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ ये सब्ज़ी नहीं बनी है। वैसे तो हमारे यहाँ ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि बड़े भैया को भी पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी जो है कुंदरू की सब्ज़ी जब तक मतलब तैयार करेंगी, तब तक मैं ये थोड़े से बर्तन थे धुल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे है बारिश का मौसम और यहाँ पे बारिश होने लगती है, तो बर्तन धुलते टाइम ना भीग ही जाओगे। इससे अच्छा है कि थोड़े थोड़े अपने बर्तन होते रहें और उन्हें धुलते रहो। और आन्या है मेरे से आके, कह रही है मम्मा मेरे कपड़े उतारो, मुझे नहाई नहीं करनी, क्योंकि भैया नहा रहे थे, तो कह रही कि मुझे बड़े पापा से नहाई नहीं करनी है और पूजा करनी है। तो मैं कह रही हूँ अभी मत, क्योंकि ना ठंडा मौसम है और अभी एकदम ना सुबह है, तो मैं सोच रही थोड़ी देर के बाद इसको ना खुद ही जाके नहला दूंगी, उसके बाद ये सो जाएगी तो फिर ठीक रहेगा। तो बर्तन तो धुल गए हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ पूछती हूँ मम्मी से कि मतलब आटा वगैरह तो अभी नहीं गूंदूंगी, आटा तो बाद में ही गूंदेगा। और ये देखो इनके कपड़े मतलब उतरवा ही लिए इसने, मान ही नहीं रही थी, तो भैया ने निला दिया था आन्या को। तो अभी मैं इसको तैयार कर देती हूँ और अभी ये सोएगी। और ये वाली ना डांगरी ना इसकी ना छोटी सी हो गई, बर्थडे पे माँ ही लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि अब घर पे ही पहनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग, पूरा रूम जो है एक दिन के बाद डस्टिंग कर पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना कोई भी चीज़ जो है वो रूटीन में नहीं है इस वजह से। तो जो भी इधर उधर सामान फैला हुआ है उसको मैं सेट करती हूँ। और कपड़े ना दो दिन से फोल्ड करने को पड़े हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था जो मैं कपड़े फोल्ड करके रखूँ। कुछ कर्टन्स वगैरह थे जिनको मैंने वॉश किया था, तो उनको मैं उठा के रख दूँगी अंदर बेड के। और जो कपड़े हैं उनको अलमीरा में सेट कर देती हूँ, क्योंकि कर्टन्स का अभी कोई भी यूज़ नहीं है, जब दीपावली की साइड ही लगेंगे अब तो, जब पूरे घर में साफ़ सफाई हो जाएगी। और इस बार तो दीपावली पे ना हम लोगों को सफाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतने अच्छे से सफाई हो रही है तो तब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मतलब।
लेकिन लेथन बहुत ज़्यादा फैली है। मैं तो अंदर जाके देख, पूरे घर में ना वही रेत रेत सा और सीमेंट सा, कहीं पे भी आप कितना भी साफ कर लो, हर जगह बिस्तरों पे भी यही देखने को मिलेगा। तो सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद आई हूँ मैं छत पे, ये सब्जी चला देती हूँ। मम्मी ने जो सब्जी है वो छौंक दी थी। सो गाइज, आन्या को मैंने सुला दिया है, रो रही थी, नींद लगी है क्योंकि ना भैया जा रहे थे आटा उठाने के लिए चक्की से, तो कह रही थी हम आपके साथ जाएंगे, बड़े पापा के साथ जाएंगे, और बारिश हो रही है, भीग जाती। वैसे इस टाइम पे वायरल फीवर टाइप में चल रही है, हमारे पड़ोस में ही दो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मतलब मेरी जिठानी के बच्चे को फीवर आ रखा है, तो इसलिए ना डर सा लगता है मुझे। वैसे भी इसकी ना मुझे हथेली गर्म से रखते हैं, ये यहाँ आ जाती है ना इसको बीमारियाँ चपेट में ले लेती है। घर पे थी ना इसको बिल्कुल कोल्ड तक नहीं हुआ था, पता नहीं क्या है यहाँ, मतलब हो सकता है कि इतनी साफ़ सफाई नहीं है, गांव में पानी भरा रहता है जगह जगह पे, मच्छर होते हैं डेंगू वाले, इस वजह से। शहरों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बंद में रहती है ना इसलिए। तो अभी भैया आटा लेके आ जाए, उसके बाद आटा लगाती हूँ। 12:30 बज चुके हैं, 1 बजे वो लोग खाना खाएंगे। बाकी सब्जी कुंदरू की बन गई होगी, दीदी ने परस ली होगी, दाल तो पहले ही बन गई थी, और मुझे भी भूख लग रही है, तो वो लोग खा लेंगे ना, तो उनके खाने के बाद ही आजकल हम लोगों का भी मतलब लंच और ब्रेकफास्ट सब एक ही होता है। तो आने को सुला के आने के बाद ना थोड़ी भूख सी लग रही थी, तो मैंने कढ़ाई में ही थोड़े से कुंदरू की सब्जी लेके, रोटियां सुबह ही बनाई थी मैंने, तो खा लेती हूँ। कढ़ाई में ना खाने में वैसे मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन शादी के से पहले तो नहीं खाने देते, अब तो जितना मर्जी खाओ कोई टेंशन नहीं है। तो अभी 1 बज गया था, तो सबके लिए रोटियां वगैरह दीदी बेल रही हैं और मैं सेक देती हूँ, तो फटाफट से ये लोग सबको खाना खिला देंगे। और अब मैं तो नहीं खाऊंगी खाना क्योंकि मैंने खा लिया था, तो थोड़ा सा भी खा लो ना उसके बाद भूख नहीं लगती है। तो फटाफट से रोटियां वगैरह बना के रख देते हैं एंड देन हो जाएंगे फ्री, थोड़े से बर्तन ही होंगे, इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। मम्मा कितना काम करते पता भी है? बिल्कुल नहीं काम करती है। काम नहीं करती हूँ मैं? अच्छा, पूरे दिन लेट ही रहती हूँ। और खाना कौन बनाता है? खाना हाँ। तुम बनाती हो? अभी सो के उठी हो और मैं सबको खाना खिला के आई हूँ। झूठ बोलती है ये लड़की, प्लीज बाबू थोड़ी देर मम्मा को आराम कर लेने दो। कार्टून नहीं मिलेंगे, मम्मा एडिटिंग करेगी। नो नो प्रॉमिस। सो गाइज, अभी मैं बैठी हूँ और शाम हो गई है, राधिका ट्यूशन पढ़ के आई बेचारी का, आज पिटाई पड़ी ट्यूशन में। राधिका पिटाई पड़ी, कितना मारा राधिका को बेचारी, बहुत मारा। मैं इधर से देख रही थी, मैं सो के उठी ना तो एकदम से मुझे आवाज़ आ रही थी पट पट थप्पड़ पड़ने की, मैंने वीडियो बना ली शेयर कर तू यूट्यूब पर राधिका, है कर तू। राधिका कह रही कर दो भाई, भाई बड़ी ईमानदार है, लेकिन मैं करूँगी नहीं तो अभी चाय वाय सबको बना के दे के आई हूँ। और लाइट इतनी अच्छे वोल्टेज आ रहे हैं ना, पंखा देखो कितनी स्पीड से चल रहा है क्योंकि बारिश हो गई है ना, और बारिश होने के बाद वोल्टेज बहुत ज़्यादा मस्त आते हैं। रूम तो मैंने पहले ही सेट कर लिया था, बस ऐसी थोड़ी देर बैठी हूँ। एक तो पता है ऊपर जाओ फिर नीचे उतर के आओ फिर ऊपर जाओ, ये करते करते ना हालत सी खराब हो जाती, पैरों में दर्द होने लगता है। मम्मी कहती है तुम ज़्यादा तो मैं अप डाउन करती हूँ, मैं कहती हूँ तुमने घी खाया है, यहाँ थोड़ी ना घी रखा है, मतलब उस ज़माने में तो यार घी की कमी ही नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे थोड़ी ना पहले ज़माने जैसा होता है खान पीन। पहले की जो औरतें थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी, बहुत मेहनती होती थी, चक्किया से आटा भी पीस लेती थी, लेकिन आजकल क्या है थोड़ा सा काम करते ही पैरों में दर्द चक्कर से आने लगते हैं। कर रहे हो बच्चों? क्यों बच्चों क्या कर रहे हो? खेल रहे, खिलौना वाला ये चॉकलेट, अभी हम खेल करेंगे, हम नमी से बर्बाद होता है। और दीदी क्या बोल रहे हो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। अच्छा कौन से वाला गेम खेल रहे हो मुझे भी बता दो, ये क्या है, ये क्या है आपके, ये पैसे हैं? और ये कितने रुपए हैं? ये 10 रुपए।
चॉकलेट। क्या एक क्या बोला आपने? $100 है। डॉलर्स क्या होता है? कहाँ सुना डॉलर्स? आपको डॉलर पता है? हाँ। अरे वाह, आप तो बड़े होशियार हो। कहाँ, किसने बताया आपको? रितिका, तुम्हें पता है डॉलर क्या होता है? उसे पता ही नहीं है। तुम बताओ कहाँ से पता किया? पता नहीं क्या बोलती रहती, पेड़ से उतारा डॉलर, पागल लड़की। तो अभी मैं छत पे लगा रही हूँ झाड़ू। छत ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि इस टाइम पे हवा वगैरह बहुत चल रही है, तो मिट्टी मिट्टी रेती रेत है चारों तरफ। तो मैंने सोचा कि लगा देती हूँ। और ना इधर बच्चों ने ना गमलों की मिट्टी मिट्टी फैला दी थी, तो वो देख रहे हो कितनी सारी रेत रेत सी निकली है। तो ये वाली छत छोटी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज इस वाली छत पर लगा देती हूँ, कल उस टाइम मिलेगा तो उस वाली छत पर लगा दूंगी। तो बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई और आन्या भी खेल रही है, और इतनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और अभी ये कर्टन्स जो हैं वो मैं रख देती हूँ बेड के अंदर, और बेड पे बिछा देती हूँ चद्दर। और बेड में ना बिल्कुल जगह नहीं बची है, क्योंकि सारे के सारे मैंने जो भी जितने भी कर्टन्स थे, अभी मम्मी का रूम जब साफ़ होगा ना तो उनके कमरे के भी कर्टन्स निकलेंगे, तो उन्हें भी मैं वॉश कर लूँगी जब भी मशीन चलाऊँगी। और उसके बाद एक साथ पूरे घर में कर्टन्स लगेंगे। तो मैं ना आपको जब पूरे घर में प्लास्टर हो जाएगा ना उसके बाद ही दिखाऊंगी, अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्या थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊं, एक साथ ही जब पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी। और मैं ना चद्दर बिछाने के लिए जा रही थी, एकदम से मुझे चींटियाँ दिखी, मतलब ना चींटियों ने मेरी नाक में दम करके रखा है, सच बता रही हूँ। क्योंकि ना काट लेती हैं लाल वाली चींटियाँ, आनिया है बच्चा छोटा है, काट लेंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चींटियाँ आ कहाँ से रही हैं, क्योंकि जब मैं गद्दे के ऊपर भी चींटियाँ होती है, गद्दा हटाती हूँ वहाँ पर भी चींटियाँ होती है, इनफैक्ट बेड के अंदर भी चींटियाँ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मतलब और नहीं झेला जा रहा है। अब मैं इनसे कहूँगी कुछ लेके आओ दवाई वगैरह जो चींटियों को मारने वाली होती हो, ताकि जो चींटियाँ हैं वो सारी भाग जाएं, क्योंकि लाल वाली चींटी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और बेड पे सो जाओ तो काट ले तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल तो मैं गद्दे का कवर डाल देती हूँ, और जितनी चींटियाँ थी वो मैंने झाड़ दी हैं। और अभी मैं इनसे बोलती हूँ कि कुछ लाने के लिए, जैसे कि लक्ष्मण रेखा वगैरह आते हैं ना तो वो मंगाऊंगी। और गद्दे का कवर डाल देती हूँ, मुझे लगा था कि गद्दे पे शायद कुछ मीठा वगैरह फैला हो इसलिए चींटियाँ आती हूँ। गद्दे का कवर भी वॉश कर दिया और गद्दे को भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया था, लेकिन चींटियाँ आना बंद ही नहीं कर रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ना ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, आज से पहले इतनी चींटियाँ तो कभी नहीं आई हैं, मतलब बहुत सारी चींटियाँ आती हैं। तो चद्दर वगैरह डाल दिया मैंने छत पे, अभी आ गई हूँ छत पे। मैं दीदी बना रही हैं आज हमारे घर पे बन रहे बेसन की गट्टे की सब्जी, और मैं कट कर रही हूँ प्याज और लहसुन। तो जब तक ये बॉयल होंगे तब तक मसाला वगैरह हम लोग कर लेंगे तैयार। तो ये बॉयल हो चुके हैं। आन्या को ना ये ऐसे ही खाने में पसंद है, वो जब मसाले में फ्राई कर दो ना तो वो नहीं खाती है, इसको ना ऐसे ही कट करके दे दो ना तो उसको बहुत टेस्टी, मतलब बहुत इसको ज़्यादा पसंद है और अच्छे भी लगते हैं। तो अभी मसाला भुंज रहा है, और जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और गरम मसाला, बस वही डालना होता है, बस वो हमने खा लिए थे सूखी सब्जी निकाल के, और बाकी की सब्जी बन गई थी। तो अभी दीदी रोटी बना रही है, मैं सबको खिला रही हूँ खाना। सो गाइज, अभी मुझे इतनी नींद आ रही, सबसे पहले यही बोलूँगी, मम्मी का रूम जो है वो खाली हो गया है, क्योंकि मेरे रूम में जो है प्लास्टर हो चुका है, और तो वही हम लोग ना एक इन्होंने फ़नी सा वीडियो बना लिया था मेरा, मैं सामान लेके आ रही थी। तो फिलहाल मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, बस उनका जो रूम है वो कम्प्लीट खाली हो चुका है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।